अरे खड़े क्यों हो गए, बैठो ना। सॉरी, मुझे मुझे कहीं पहुंचना बहुत जरूरी है, मेरा दोस्त वेट कर रहा है। तो अपने दोस्त को कहो थोड़ा वेट कर ले, मैं तुम्हें सूखे मुंह तो नहीं जाने दे सकती। बस 2 मिनट दो, मैं चाय लेके आती हूँ। अम्मी बिल्कुल ठीक बात कह रही है, ज्यादती कर रहे हैं आप। मैं कैसे कहूँ, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है तुम्हारा शुक्रिया अदा करने को। प्लीज, आप एक ही बात को बार बार मत दोहराइए। ऐसा तो मुमकिन नहीं था कि मैं उस सिचुएशन में इनको अकेला छोड़कर चला जाता। तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारी तरबियत बहुत अच्छी की है। समीनी बता रही थी कुछ देर पहले ही उनका इंतकाल हुआ है। क्या हुआ? जी, दोबारा हमारे साथ यहीं तक था बरखुरदार। वैसे भी अब तुम कोई लाचार यतीम बच्चे नहीं रहे, जिसे मैं खौफ खुदा में घर लेकर आया था। अपना बंदोबस्त कर लो जितनी जल्दी मुमकिन हो सके। तुमसे मोहब्बत मांगी, लेकिन तुमने बहुत बुरा किया उसके साथ। घर से बेघर हो गया मैं, मेरी माँ सदमे में आकर बिस्तर से लग गई। आई एम सो सॉरी खुरम, मुझे पता है कि आपकी अम्मी के बारे में बात करना आपको कितनी तकलीफ देता है। इनकी तरफ से मैं माजरत करती हूँ। नहीं नहीं प्लीज, आप क्यों सॉरी कर रही हैं? सिर्फ मैं अम्मी के साथ साथ और भी बहुत कुछ याद आ गया था। माँ भला भलाई जा सकती है? माँ के साथ वो हजारों बातें और हर बात के हजारों पहलू। हेलो, आई एम सो सॉरी यार, मेरे जहन से निकल गया था। मैं बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ, ठीक है ना? मैं निकलता हूँ। अरे अरे खड़े क्यों हो गए, बैठो ना। सॉरी, मुझे मुझे कहीं पहुंचना बहुत जरूरी है, मेरा दोस्त वेट कर रहा है। तो अपने दोस्त को कहो थोड़ा वेट कर ले, मैं तुम्हें सूखे मुंह तो नहीं जाने दे सकती। बस 2 मिनट दो, मैं चाय लेके आती हूँ। अम्मी बिल्कुल ठीक बात कह रही है, ज्यादती कर रहे हैं आप। नहीं, मैं जरूर रुक जाता, लेकिन मुझे जॉब के सिलसिले में कहीं पहुंचना है। आप समझ रही हैं ना, इट्स इम्पोर्टेंट। ओह आई सी, फिर तो मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगी। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे और तरक्की दे। जी आई, मैं आपको छोड़ा गेट तक। जी, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। आप ऐसा करें कि यही साइड बुक करा ले, जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है, जैसा आप कहती हैं वैसा कर लेता हूँ। जिसको मांगा।